अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर नंबर 4, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कुछ सब्सटीट्यूशन है हमारे पास, हम यूजफुल सब्सटीट्यूशन 1, 2 एंड 3 सब्सटीट्यूशन है हमारे पास। अगर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव और वेरिएबल नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a टेन थीटा। अगर वेरिएबल पॉजिटिव है और कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव है तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a सेकेंड थीटा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए हमारा जो सोल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाए तो हमारे पास जो दो सब्सटीट्यूशन है, अगर a भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, और x जो है वो पॉजिटिव यानी कि वेरिएबल पॉजिटिव और जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो हम सब्सटीट्यूशन जो है वो हाइपरबोलिक में पुट करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। जब हम हाइपरबोलिक पुट करेंगे, हाइपरबोलिक के फंक्शन को पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्दर टू फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद करना है, क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस के रूट z स्क्वायर प्लस 1। कॉस हाइपरबोलिक जी में हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और फार्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये फार्मूलाज जो हैं हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज ज़रूरी थे, कुछ सब्सटीट्यूशन थी और ये फार्मूलाज थे, ये हमने देखे हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 अच्छे से सॉल्व आउट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल ऑफ स्केयर रूट 4 माइनस एक्स स्केयर इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है और वेरिएबल नेगेटिव, तो हम क्या सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब एक जगह हमारे पास क्या है, 4, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्केयर रूट 2 स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया, एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 2 साइन थीटा, क्योंकि ए की जगह हमारे पास क्या है, 2। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रल में हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करेंगे, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 2 to the 4 माइनस एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रल अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रल 4 to the 4 यानी कि 2 का स्केयर रूट हमारे पास बन जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट के साथ अगर स्केयर आप लिख लें, 2 लिख लें, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब 2 to the 4 इसे हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, cos square theta into d theta। अब cos square theta के हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस कॉस
टू थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू डी थीटा, टू टू ज़ा फोर, क्या आ जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी थीटा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास किस में है थीटा में, सॉरी जो हम जिसकी इंटीग्रेशन फंक्शन की कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है थीटा में। अब कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी साइन टू थीटा, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पे हम फर्दर फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू। ठीक हो गया, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा टू इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या है, क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्स में है, वहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो आंसर भी हमारे पास एक्स में आना चाहिए। क्या करेंगे, थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। जो स्टार्ट में हमने पुट किया था फंक्शन एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा, ठीक है, उससे हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम पुट फाइंड आउट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स बाय टू, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तीनों की वैल्यूज को पुट करेंगे और एक्स में जो है वो आंसर लेके आएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यूज़ क्या है हमारे पास टू इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस साइन थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई एक्स बाय टू, एंड कॉस थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय टू एक्स बाय फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर फंक्शन से, साइन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू स्क्वायर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये हमारे पास सॉल्यूशन।